राज्य सैनिक बोर्ड ने इस बार 8 दिन तक पूर्व सैनिकों की भर्ती प्रक्रिया अमल में लाने का फैसला लिया है। क्लर्क, स्टेनोटाइपिस्ट व JOA के पदों पर पूर्व सैनिकों की भर्ती की जाएगी। 2 चरणों में क्लर्कों की भर्ती होगी। पहले चरण में फौज में क्लर्क रहे पूर्व सैनिकों को फिर से सरकारी विभागों में क्लर्क बनने का मौका मिलेगा। इसके बाद क्लर्क के लिए अप्लाई करने वाले अन्य पूर्व सैनिकों की भर्ती प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। JOA की भर्ती प्रक्रिया इस बार 4 दिन तक चलेगी। पद पूरे होने के बावजूद योग्य उम्मीदवारों को आगामी पैनल में रखा जाएगा। कोटे के तहत पद मिलते ही इनकी तैनाती की जाएगी। सैनिक बोर्ड ने भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए 2000 पूर्व सैनिकों को कॉल लेटर जारी किए हैं। जानकारी के अनुसार पूर्व सैनिक बोर्ड 21 से 30 नवंबर तक पूर्व सैनिकों की भर्ती करेगा। 21 नवंबर को फौज में क्लर्क के पदों से रिटायर हुए पूर्व सैनिकों की लिपिक के पदों के लिए भर्ती होगी। 22 नवंबर को स्टेनोटाइपिस्ट के लिए साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे, जबकि 24 व 26 नवंबर को क्लर्क पद के लिए अप्लाई करने वाले पूर्व सैनिकों के इंटरव्यू होंगे। इसके बाद 27, 28, 29 व 30 को JOA के पद भरे जाएंगे। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले पूर्व सैनिकों को नौकरी दी जाएगी। सैनिक बोर्ड क्लर्क के 40, JOA के 40 और स्टेनोटाइपिस्ट के 20 पद भरेगा। पूर्व सैनिकों के लिए विभिन्न विभागों में मिले 15% कोटे के पदों को भरने के लिए ये प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि पूर्व सैनिकों के लिए सरकारी विभागों में कोटा तय होता है। इन पदों पर पूर्व सैनिकों की तैनाती राज्य सैनिक बोर्ड के माध्यम से की जाती है। नौकरी के लिए निर्धारित मापदंड पूरे करने वाले पूर्व सैनिकों की भर्ती कर विभाग इनकी तैनाती करता है। बोर्ड निदेशक SK वर्मा ने बताया कि अगर पद कम पड़ जाते हैं तो योग्य पूर्व सैनिक को आगामी पैनल में शामिल कर लिया जाता है और पद मिलते ही इनकी तैनाती की जाती है। के लिए हमने 21 तारीख से साक्षात्कार का कार्यक्रम बनाया है। इसमें 21 तारीख को जो बाय ट्रेड क्लर्क एक्स सर्विसमैन है उनको बुलाया है। 22 तारीख को स्टेनो टाइपिस्ट इस कैटेगरी के इंटरव्यू हैं। उसके बाद 24, 26 को क्लर्क्स और 27, 28, 29 और 30 को JOA का इंटरव्यू बुलाया है। इस इंटरव्यू के बाद इनका टाइपिंग टेस्ट करवाया जाएगा और जो लोग टाइपिंग टेस्ट पास होंगे उनको बाद में पैनल में लेकर विभिन्न विभागों में नॉमिनेशन किया जाएगा। तकरीबन 100 के करीब टोटल वैकेंसी हैं, जिसमें 40 क्लर्क्स, 40 JOA और 20 के करीब स्टेनोटाइपिस्ट, और कुल जो इनके लिए हम अभ्यर्थी बुला रहे हैं उनकी संख्या तकरीबन 1500 के करीब है।